मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूं और आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा पित्त दोष की। पूर्व के वीडियो में मैंने कफ दोष की चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर का स्वस्थ होना या रोगी होना दोषों के संतुलन पर निर्भर है। अगर कफ वात पित्त तीनों संतुलित हैं तो हम निरोगी हैं, और अगर कोई दोष बढ़ गया है या आवश्यकता से ज़्यादा घट गया है तो हम रोगी हैं। कि हमारी पाचन क्रिया, पेट की जो अग्नि है वो पित्त पर आधारित है। अगर पित्त आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ गया तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी भूख लगेगी, लेकिन पेट में जलन होगी। अगर पित्त आवश्यकता से कम हो गया तो उसका खाना ठीक प्रकार से नहीं पचेगा। ऐसे अन्य और भी लक्षण हैं जिनकी मैं चर्चा आपको करूंगा, कि जिन लक्षणों से आप पित्त दोष को पहचान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अधिक थकावट लगती है और नींद कम आती है तो इसका मतलब पित्त दोष है। नींद में कमी आ गई है यानी कि नींद ठीक प्रकार से नहीं आती है तो पित्त दोष है। त्वचा का रंग पहले से गाढ़ा हो गया है, इसका मतलब पित्त बढ़ गया है, पित्त दोष कुपित है। नाखून पीले लग रहे हैं, शरीर पीला हो रहा है या पीला महसूस हो रहा है तो पित्त कुपित है। मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है या मुंह में खट्टापन महसूस हो रहा है तो पित्त दोष है। चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति को तो वह पित्त से पीड़ित है। और मुंह पक गया है, छाले आ गए हैं, गला पक गया है तो पित्त दोष से पीड़ित है। पसीना बहुत आता है, शरीर में जलन होती है, गर्मी लगता है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो वो पित्त से परेशान है। अंगों से अगर दुर्गंध आती है तो व्यक्ति पित्त से परेशान है। इन सारे लक्षणों को देख करके आप समझ सकते हैं कि पित्त दोष कुपित हुआ है। इसमें भूख तो बढ़ जाएगी लेकिन शरीर कमजोर हो जाएगा। खाना खाने के साथ ही पेट की शिकायतें उसकी पैदा हो जाएंगी। मिचली आना, चक्कर आना, ये सारे लक्षण आपको नजर आएंगे। ये सारे लक्षण पित्त के हैं। तो ऐसे ही सामान्य लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है। आशा है कि इन लक्षणों से आपको रोगी को पहचानने में मदद मिलेगी। ध्यान रखें, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सामान्य जन की जानकारी के लिए बना रहा हूँ, किसी को डॉक्टर बनाने का मेरा इरादा नहीं है। तो एक व्यक्ति जो भारत में रहता है उसे आयुर्वेद की जानकारी होना चाहिए। जैसा पहले हमारे रग रग में आयुर्वेद रचा बसा था, उसी में मेरा प्रयास है कि आज भी लोग आयुर्वेद को जानें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत तुरंत पहुँचते रहें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।